नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप ये बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में 20-30% तक का मार्जिन होता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, इसको बेचे कहां, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिस ना हो। तो दोस्तों डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है 40-50 हजार रुपए तो आप इसको मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है 5-10 हजार रुपए है तो आप डिटर्जेंट रीपैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको डिटर्जेंट बल्क में बोरी का खरीदना होगा और छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करना होगा और नियर बाय रिटेलर्स को बेचना होगा, और जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उन्हें दे सकते हैं आप, वो अपने काउंटर पे बेचवाएंगे, या फिर आप डोर टू डोर जाके हर एक दुकान पे सेल कर सकते हैं। अगर डोर टू डोर आप सेल करेंगे तो आपको एक अच्छा मुनाफा बचेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे तो मुनाफा कम होगा। अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही है, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको खुद ही नियर बाई दुकानों पे जा जाके बेचिए। तो इससे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मिनिमम मान के चलिए कि 30-40% का। तो दोस्तों आपको इंडियामार्ट की वेबसाइट पर जाना है, वहां से सप्लायर देख लीजिए जो आपको बल्क में जो कि डिटर्जेंट बोरी का दे दे, वो भी खुले लूज में। आप उसको क्वालिटी अच्छा रखिएगा शुरू में, क्योंकि मार्केट में अगर आप एक बार चल जाएंगे तब आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो दोस्तों मान के चलिए आपको 20-25 रुपए किलो के हिसाब से आपको डिटर्जेंट मिल जाएगा, जो कि इंडिया मार्ट पे अगर आप लेना चाहें तो, और बल्क में लेंगे और सस्ते क्वालिटी का लेंगे तो 17-18 रुपए में भी मिल जाएगा। और मान के चलिए आपको 1 रुपए पैकेजिंग कॉस्ट मान लीजिए और 1 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लीजिए, यानी कि 23-24 रुपए में आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट तैयार हो जाएगा पर केजी। और मार्केट में इसको आप एक स्ट्रेटेजी के साथ बेच सकते हैं, 100 रुपए में 3, यानी कि 33-33 रुपए का एक बचेगा, तो मान लीजिए एक पैकेट में आपको 5-10 रुपए का मुनाफा होगा, जिसको आप अगर 23 रुपए में बना लेते हैं तो उसको 28-30 रुपए में दुकानदार को दे दीजिए और दुकानदार उसे 35 रुपए के आसपास में बेचेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पहले तो छोटे अमाउंट से यूज करिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस अचानक से बड़ा कर लेने के बाद माल डंप हो जाएगा और आप इसको बेचेंगे कहां, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और धीरे धीरे जब आपकी सेल बढ़ने लगे तो आप इसका मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद मार्केट में जैसे ही आपका नाम तो ऑलरेडी चला होगा, आपके काउंटर्स बने ही होंगे, तो आप जो है बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बिजनेस का आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने रिस्क पे स्टार्ट करिए, हम एक बस इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते हैं। इस पे आप भी अपना मार्केट रिसर्च करिए, डीप रिसर्च करिए कि मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, क्या नाम रखें, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पे हमें ध्यान देना होगा, तो इससे आपकी जो डिटर्जेंट है वो मार्केट में चल जाएगा। तो दोस्तों हर बिजनेस कंपनी को चलाने के लिए हमारे और आपकी जैसे ही इंसान होते हैं, और सब नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी बड़ी नहीं होती, मतलब बनने के साथ ही वो कंपनी बड़ी नहीं हो जाती, उनके साथ करने वाले जो लीडर्स हैं काम, जो उनके सेल्समैन हैं, वही उन्हें कंपनी को बड़ा बनाते हैं। तो आप भी अपनी कंपनी को बड़ा बना सकते हैं दोस्तों, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है और लगन से लगे रहने की जरूरत है। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय।